हेलो एंड वेलकम टू अवर सीरीज ऑन वोकैबुलरी डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है किसी चीज़ का त्याग या अस्वीकार करने की क्रिया। देखिए, जब आप किसी चीज़ का त्याग करते हैं तो वहाँ पे जो वर्ड आप यूज़ करेंगे वो करेंगे एब्निगेशन। क्या करेंगे? एब्निगेशन। ओके, अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पे आपको एक सन्यासी दिख रहे हैं। सन्यासी लोग किस चीज़ का त्याग करते हैं? वो करते हैं घर और परिवार का त्याग, और या फिर भौतिक सुखों का। ओके, तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं वो हैं रिनन्सिएशन, रिजेक्शन, रिफ्यूजल या फिर अबेंडनमेंट। ओके, अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एब्निगेशन ऑफ होम एंड फैमिली, जिसका मतलब ये हुआ कि घर और परिवार का त्याग। चलिए नेक्स्ट है किसी देश या प्रदेश के मूल आदिवासी प्रजाति का सदस्य। देखिए, जो आदिवासी लोग होते हैं उनके लिए जो वर्ड होता है वो होता है एबोरिजिन। क्या होता है? एबोरिजिन। ओके, चलिए इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं इंडिजिनस, नेटिव और ओरिजिनल। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी एबोरिजिन्स डाइड व्हेन दे केम इनटू कांटेक्ट विद डिजीजेस, जिसका मतलब ये हुआ कि बीमारियों के संपर्क में आने से कई आदिवासियों की मौत हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट है निष्फल या अधूरा। देखिए, जब आपको किसी चीज़ में पूर्णता सफलता नहीं मिलती है या कोई काम आपका अधूरा रह जाता है, वहाँ पे जो आप वर्ड यूज़ करोगे वो होता है अबॉर्टिव। क्या होता है? अबॉर्टिव। अगर आप इस इमेज को देखें तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि चोर ने भागने की कोशिश की होगी लेकिन सफल नहीं रहा होगा, या आप बोल सकते हो कि निष्फल रहा उसमें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे फेल्ड या फिर अनसक्सेसफुल। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ही मेड टू एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, हिंदी में जिसका मतलब ये हुआ कि उसने जेल से भागने के दो असफल प्रयास किए। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा भोग विलास आदि से दूर रहने का आचरण, या जिसे हम परहेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है एब्सटिनेंस। क्या होता है? एब्सटिनेंस। ओके, अब इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे सेल्फ डिनायल, रिफ्रेन या डिजिस्ट। राइट, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड टोटल एब्सटिनेंस, जिसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि डॉक्टर ने पूर्ण संयम निर्धारित किया। ओके, तो खुद को किसी चीज़ से जब हम दूर रखते हैं तो परहेज करते हैं तो उसके लिए एब्सटिनेंस यूज करते हैं। राइट, जिसे समझना कठिन हो, गुण, दीर्घबोध या जटिल। ठीक है, ऐसा कार्य जो आपको बहुत ही जटिल लगे उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड होता है? एब्स्ट्रूज। क्या होता है? एब्स्ट्रूज। ओके, अब इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं वो हैं पजलिंग, डिफिकल्ट, परप्लेक्सिंग या इसोटेरिक। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज वेरी एब्स्ट्रूज, जिसका मतलब ये हुआ कि आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत बहुत ही जटिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा किसी चीज में केवल बहुत मामूली रूप से लिप्त होना, विशेष रूप से भोजन और पेय। देखिए, जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, उसका कम आप बोल सकते हो कि यूज़ करते हैं, तो तब आप यूज़ करोगे एब्स्टिमायस। मतलब कहने का मतलब वही है कि आप उसको खुद से दूर, आप उस चीज़ को खुद से दूर रख रहे हो। ठीक है, जैसे कुछ लोग अपने आप को अल्कोहल और जंक फूड से दूर रखते हैं, तो आप वहाँ पर एब्स्टिमायस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे टेम्परेट या मॉडरेट। ओके, अब इसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ही वॉज हार्ड वर्किंग मैन विद एब्स्टिमायस हैबिट्स, जिसका मतलब ये हुआ कि वह संयमी आदतों वाला एक परिश्रमी व्यक्ति था। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि उसके अंदर संयम था। ओके, राइट, जो बिल्कुल भी तर्क संगत ना हो, हास्यास्पद या बेतुका। देखिए, जब आपको कोई चीज़ इलॉजिकल लगती है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं रहता है, तो ऐसी चीज़ के लिए आप जो वर्ड यूज़ करोगे वो होता है एब्सर्ड। ओके, क्या होता है? एब्सर्ड। राइट, चलिए अगर आप इस इमेज को देखें तो आप देख रहे हैं कि जिराफ पेड़ पे चढ़ा हुआ है, तो ये बहुत, मतलब आप बोल सकते हो कि बेतुकी सी चीज़ लग रही है। आपने कभी देखा है जिराफ को इस तरीके से पेड़ पे चढ़े हुए? राइट, तो वो बस आप इमेज को एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। ठीक है, ना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं वो हो जाएंगे रिडिकुलस, इडियोटिक, स्टूपिड या सिली। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं।
इट वुड बी एब्सर्ड टू स्पेंड ऑल योर मनी ऑन वन बुक। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ही बेतुकी की बात होगी कि आप अपना सारा पैसा एक ही बुक पे खर्च करते हैं। ओके तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतने ही वोकैबुलरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के।